थाना क्षेत्र त्रौलिया के सरवा गांव के निवासी रामवृक्ष वर्मा उम्र 45 वर्ष पुत्र रामचेत वर्मा का आज शाम करीब 3 बजे सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि रामवृक्ष वर्मा त्रौलिया थाना के सरवा गांव के निवासी थे, जो वह शाम को किराने की दुकान से गर्म मसाला लेकर साइकिल से अपने घर वापस आ रहे थे कि पदमपुर की तरफ से आ रही बुलोरो की जोरदार टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोग रोड पर जमा हो गए। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। भारी संख्या में लोगों को एकत्रित होते हुए देख करके पुलिस ने इसकी सूचना जिलाधिकारी बुढ़नपुर अरविंद सिंह को दी। वे मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन व सहायता राशि देने की बात कही। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। रामवृक्ष के पास एक लड़का व 2 लड़की रामवृक्ष खेती बाड़ी करके अपना परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। आजमगढ़ से नूर मोहम्मद की रिपोर्ट। हमारा नाम तस्लीम मुनी का नाम है। अच्छा, हाँ बताइए। रामवृक्ष वर्मा। रामवृक्ष वर्मा कौन सा गाँव है? सेरवा। अच्छा, कैसे हुई घटना? कि बाजार से मसाला लेके जा रहे थे, सामने से उधर से बोलर वाला मारा। कौन थे? रामवृक्ष वर्मा। कितने बजे घटना है? 9 बजे कम से कम। 3 बजे के लगभग। 3 बजे के चक्का जाम हुआ था कि जो प्रयास था? प्रयास किए थे। SDM ने कुछ आश्वासन दिया? SDM भी आए थे। SDM आए थे। क्या कुछ कहे वो? हाँ, लाश गई पोस्टमार्टम थाने पर लिख गए। नहीं, कुछ आर्थिक मदद क्या आश्वासन दिए कि नहीं? तो आश्वासन दिए होंगे, उनके परिवार वाले लोग जानते होंगे, तो लोग दूर थे ना।